प्रेम से बोली सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है वाणी। परम प्रभु जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का न खोल कर सुन लो, पापियों का न खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। तो ठाट जो ऊंचाई का एक दरवाजा है, वो दीवार पर पार करना था। अब उसको पार करके उनको अध्यात्म में प्रवेश करना होता है। ठाट के बाद अब अध्यात्म का क्षेत्र आता है, और अध्यात्म समाप्त होने पर तत्व ज्ञान का क्षेत्र आता है। तो ठाट के बजाय वो आगे जाने के इनका प्रयोजन होता है, पैसा कमाना, डिग्री हासिल करके। तो उस थाट को क्या करते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं। अब लिख देते हैं शिक्षा में नीचे गिर करके, तो उसी का नाम थेसिस हो जाता है। थिंकिंग करते करते विषय पर, और जब एक उसके अवधारणा पर पहुंचते हैं तो थाट हो जाता है, थिंकिंग ही थाट बनता है। और थाट को जब ये लिपिबद्ध कर देते हैं कागज पर, तो वही थेसिस कहलाने लगता है। और वही थेसिस जब हेड साहब के पास जाता है, हेड साहब देखते हैं कि हाँ यह विचार चोरी का नहीं है, ये इनका है, इसमें कुछ नयापन है, इसमें से समाज का कुछ भला हो जाएगा। ऐसा जब देखते हैं तो उसको मंजूरी दे देते हैं। जब मंजूरी दे देते हैं कि हाँ भाई लोगों के लायक ये उपयोगी है, तो फिर उसका नाम फिलॉसफी हो जाता है। थिंकिंग थॉट थेसिस फिलॉसफी, यही चार चरण है थे फिलॉसफी का। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है ये थॉट ही विचारक ही थे बुद्ध। ऐसे ही आप देखेंगे तो सभी बोलते बोलते जाते हैं, तो बाद में इसी को बोधिसत्व बोधिसत्व यानी बोधित होने वाला सत्य घोषित कर दिए। अब इसी विचार को ही बोधित होने वाला सत्य घोषित कर दिए। जैन महावीर आत्मा को ही, ज्योत चेतन ज्योत को ही, परम तत्व और परमात्मा सब कुछ घोषित कर दिए। इससे अलग कुछ नहीं होता है, जो कुछ है इसमें आत्मा ही है, यही तत्व है, यही परमात्मा, यही सब कुछ। महावीर की भी हालत, बुद्ध की भी यही हालत, ईसा मसीह भी सब प्रचार करते करते गॉडफादर का जा रहे हैं। आज यहाँ पे की कुंजी वाली बात है, लास्ट में वही परिपाटी वाला हाल है कि बस मैं जो मैं हूँ, जो मेरे को देख लिया वही वो मेरे पिता को देख लिया, मेरे जो मैं हूँ वही मेरे पिता है, मेरे और मेरे पिता में कोई अंतर नहीं, जबकि बहुत बड़ा अंतर है। ये उस परम गॉड फादर के मामूली छिटकी फिटकी ज्योति, ऐसे 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 इशू जो है वहां हर क्षण पैदा होते रहते हैं। तो इस तरह से जो है, इस ठीक मोहम्मद साहब भी ऐसे करते करते चलते रहते। एक बार तो कई बार मोहम्मद साहब को तो अल्लाह ताला की तरफ से बार बार चेतावनी मिलती रहती थी, गिरने गिरने स्थिति में हो जाते थे। कोई बार तो अपराधी और अनुयायियों के बीच में ऐसे कभी कभी उद्विग्न हो जाते थे कि लगता था कि गिर जाएंगे, तो ऊपर से चेतावनी आती थी, जैसे हरिश्चंद्र को आई थी कि हरिश्चंद्र खबरदार, ये अंतिम जो है तेरी परीक्षा है, हरिश्चंद्र सावधान सावधान, ये तेरी अंतिम परीक्षा है। हरिश्चंद्र भी गिरने जा रहे थे सत्य से, हरिश्चंद्र भी सत्य से गिरने जा रहे थे अंतिम में, उनको थोड़ी ममता आई। तो चूंकि सब परीक्षा पास कर चुके थे, एट लास्ट पॉइंट था, इच्छा को अगर जो उनके पूर्व थे उधर सावधान गए, सावधान हरिश्चंद सावधान, ये तेरी अंतिम परीक्षा है। तब तक हरिश्चंद सोचे नहीं ये मैं क्या करने जा रहा हूं, फिर समय लगे और कहेंगे कर फूंदो। तो इसी तरह से जो है मोहम्मद साहब बार बार जब गिरने की स्थिति में होते थे, तो ऊपर से चेतावनी आती थी कि पैगंबर खबरदार, यदि तुम जो है अपने पद से विचलित हुए तो तुमको दोहरी सजा मिलेगी, क्योंकि तुम पैगंबर हो,
कभी कभी जो है बड़ी विचित्र स्थिति, वो भी काना घोषित कर जो सब कहते कहते जा रहे हैं, और लास्ट में एक पॉइंट आता है अल्लाह नूरिन अल्लाह, अल्लाह एक नूर है, अल्लाह एक नूर है, अल्लाह नूरिन अल्लाह, अल्लाह तो एक नूर है, जबकि अल्लाह ताला नूर थोड़े होता है, ऐसे ऐसे नूर अल्लाह ताला के छन हरदम छिटकते रहते हैं। अल्लाह ताला नूर थोड़े है, अल्लाह ताला तो वैसे ऐसे नूर हरदम हर क्षण छिटकते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। इसी तरह से जो है यानी नानक देव वो सब करते करते गए, सारा वर्णन तत्व का कर रहे हैं, परमेश्वर का कर रहे हैं, लोग अंतर अवतारी थे, परमेश्वर के विशेष दूत थे, समाज सुधार के लिए लोगों को परमेश्वर की तरफ से भेजा गया था। ये लाते आते सब वर्णन करते करते गए, एक ओंकार सत्श्री अकाल, एक ओंकार सत्श्री अकाल, अकाल पुरुष को स्वीकार करो, अकाल पुरुष को मानो, वही सब कुछ है, बोलते बोलते गए। आ लास्ट में कि शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो परगास, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, ये तो बोलते बड़ी अच्छी बात चले गए। ये तीन पंक्ति तो बिल्कुल सही बात थी, ये शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो परगास, परगास कहते मन में पंजाबी में प्रकाश को, कि शब्द ही शब्द भयो परगास, आ सगल सृष्टि, ये सारी सृष्टि जो है शब्द से ही उत्पन्न हुई है, शब्द के बाद की है, तो सगल सृष्टि शब्द के पाछे, यही पर पाटी वाला कि हाँ गोल है गोल है, हाँ छेद है बीच में छेद है, हाँ ये धातु है, हाँ कीमती है कीमती है, हाँ आप फट से कह दे पर पाटी, वो समझे में नहीं आया कि हम क्या बोले, वही हालत नानक देव का यहाँ था। बोलते बोलते तीन कड़ी चले गए, आ चौथी कड़ी में नानक शब्द घटा घट आछे, बस नानक देव कह रहे कि वही शब्द जो है घट घट में है, घट घट में है। अब क्या कहा जाए, घट घट वाला जो शब्द है ये आए क्षण वहां पैदा होते रहता है, अकाल पुरुष के यहाँ, अकाल पुरुष के यहाँ आए क्षण ये पैदा होते रहता है, 7 तारीख को ये देखने को मिल जाएगा, 8 तारीख तो अकाल पुरुष मिलेगा। तो इस तरह से जो है नानक देव जो है सब बोलते बोलते गए, और लास्ट जो पॉइंट आया तो नानक शब्द घटा घटे आछे, पहली तीनों कड़ी तो सही है कि शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो परगास, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, यहां तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथी पंक्ति जो फाइनल रिजल्ट देना था कि नानक शब्द घटा घटे आछे, ये आकर के जो है एक श्रेणी नीचे गिर गया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, ठीक इसी तरह से कबीर की हाल है, कबीर दास की ही हाल है कि कबीरा कुतिया राम का मुतिया मेरा नाम, अगर में डारी फांसरी जित खींचे तित जाऊं। कबीर दास तो ऐसे गाते हैं कि मैं तो राम की कुतिया हूं, वो मेरे गले में फांसरी डाल करके जिधर जिधर खींचता है उधर उधर मैं जाता हूं, मेरी क्षमता ही क्या है। बात सही है, लेकिन कबीर पंथी है राम की ऊंचा, वही कबीर जी जब चलते चलते गए तो वही सुहंग ज्योत सुहंग हंस सुहंग ज्योत सुहंग हंस, यही सब कुछ है, यही सतपुरुष है। अब बात तो कर रहे थे सतपुरुष का, जो नानक देव अकाल पुरुष बात किए नाम उसको सतपुरुष कहे, मूसा अलैहि सलाम उसी को यहोवा का कर प्रचार किए, तो उसी को जो है ताओ जरथुस जो है ताओ का कर प्रचार किया, तो उसी को जैन महावीर जो है अरिहंत कह करके किया कि नमो अरिहंतारंग नमो सिद्धारंग नमो आर्यारंग, तो इस तरह से वो प्रचार करना शुरू किया, तो उसी को बुद्ध जो है बोधिसत्व कह करके घोषित कर दिए, तो ईसा मसीह उसी को गॉड फादर यानी अपने को लाइफ लाइट और गॉड फादर घोषित किया, उसी को मोहम्मद साहब अल्लाह ताला हक ताला अल्लाह ताला कौन में मुखलिक है, वो मेहरबान है, वो रहमान है, वो रहीम है, वही करीम है, ये सब को वर्णन करना शुरू कर दिए। नू वही वर्णन, हूद वही वर्णन, लूत अली वही वर्णन, यानी फिर से आप देखें इब्राहिम का वही वर्णन, याकूब का वही वर्णन, यानी यूसुफ का वही वर्णन, दाऊद सुलेमान मूसा ईसा वही वर्णन करते हुए चले आए, कोई यहोवा कह करके, कोई गॉड फादर कह करके, कोई अल्लाह ताला कह करके, ये सब चलाया, कोई परमात्मा कह करके तो कोई परमेश्वर कह करके तो कोई परम ब्रह्म कह करके तो कोई परम तत्व कह करके, कोई इस तरह से नाना प्रकार से शब्द उच्चारण, वर्णन तो उसका किया जाता है,
बोलो तो कबीर दास जो है नानक देव जब अकाल पुरुष को करके वर्णन करने लगे तो कबीर दास सतपुरुष को करके वर्णन करने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का लक्षण एक ही है। अकाल में तो जो मौत से परे हो, जहाँ काल न जाता हो मरता हो, और सतपुरुष जो सत्य से युक्त हो, कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही है। तो इसी तरह लेकिन जब वर्णन करने लगे तो सतपुरुष किसको घोषित करते हैं, अपने चेतन ज्योत को, सोहंस को, ज्योत को, जो खुद से पैदा होते रहता है। देखेंगे आप 8 तारीख को पैदा हो रहा है, कैसे पैदा होते हुए दिखलाई देगा, किस तरह से वह उस परम तत्व से इस अहं की उत्पत्ति कैसे होती है, तो सोहन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो फिर अहं किस तरह से मिटता है, फिर सोहन कैसे मिटता है, ये देखने को मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है आप सब बंधुजन ये तो कह देंगे फट से, ये कहीं लाठी सबको हाँक रहा है, सबको वही बना रहा है कि सब चलते चलते लास्ट में फूल गए, यानी सब गलत हो गया, यही एक सही हो गए, तो हम ही थोड़े कह रहे हैं। देवता लोगों के लिए अक्षय अवतार हुआ था, जब देवासुर संग्राम हुआ देवता लोग हार गए, राक्षस जीत गए, असुर जीत गए, राक्षस जीत गए, ये लोग पुकार किए परम प्रभु परमेश्वर का, उनकी कृपा हुई और आकर के उसमें शरीक होकर के देवता लोगों को विजय दिलाया, विजय दिलाया, तो आकर के जब विजय मिल गया तो कहीं इंद्र अपना पाय पुजवा रहे हैं, तो कहीं वरुण पुजवा रहे हैं, तो कहीं अग्नि पुजवा रहे हैं, तो कहीं जमराज पुजवा रहे हैं, सब लोग बैठ करके मीटिंग किए, हमने ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया। जब वरुण होना शुरू हो गया तो उसी में एक सामने यक्ष अवतार हो गया, यक्ष प्रकट हो गया, कह रही फिर से जो है ये तो बातें बहुत बढ़ती चली जाएंगी, हम लोग मूल विषय पर आवे, ऐसे ये सब किस्सा कहानियां तो बहुत मिलेंगी। सतयुग में लोग खोजते खोजते देवी देवता हार गए थे, उस परम प्रभु को परम तत्व को नहीं जाने थे, किसी ऋषि महर्षि को पता नहीं था, किसी भी ऋषि महर्षि को जब जांच होने लगा तो सब ऋषि महर्षि ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महर्षि बनकर बैठे थे, आज जब जांच शुरू हुआ तो एक भी भगवत ज्ञानी नहीं मिला, एक भगवत ज्ञानी नहीं मिला। त्रेता में भी वही हाल है, ऋषियों की कमी नहीं थी, ऋषियों की कमी नहीं थी, चारों तरफ ऋषि महर्षियों की भरमार थी, चारों तरफ ऋषि महर्षियों की भरमार थी, वशिष्ठ थे, उसमें अगस्त थे, उसमें क्रतु पुलह पुलस्त थरवा अंगी, ये सब चारों तरफ अपना अपना डेरा जमाए बैठे थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, ये ऋषियों की कमी थोड़े थी वहां पर, लेकिन एक किसी ऋषि को, सब तो अपने आप भगवान बनकर बैठे थे, अपने अपने अनुवायु को, अपने को गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर कहवा रहे थे। आज जब धरती बेचारी गाय का रूप धारण करके जब जांच करना शुरू किया ऋषि महर्षि लोग यहां घूम घूम करके कि वो मेरा परम प्रभु कहाँ है कि मैं पुकार करूं, इस धरती का भार अब जो है मुझे नहीं सहन हो रहा है, गिर सर सिंधु भार नहीं मोही जस मोही गुरु एक पर द्रोही, देखो तब जब खोज रही है सब ऋषि महर्षि महर्षि जी लोगों के यहाँ जा रही है कि आपको परम प्रभु की जानकारी है, नहीं जानकारी नहीं है, खोज रहे हैं, अभी तो हम खोज ही रहे हैं, नारद बाबा भी मिले तो वो उनका भी वही स्थिति, नहीं हमको भी नहीं पता है, आए थे वो तो चले गए, अब तो हमको पता नहीं है। नारद बाबा लेकर के जब खोजने जब चारों तरफ घूमना शुरू कर दिए तो कौन कबूल नहीं कर रहा है, कह रहा है कि जब आप ही नहीं जानते तो हम लोग कहाँ जानेंगे, सब खोज में लगे हैं, तो कौन पूछा, बना था सब ब्रह्म ज्ञानी, सब ब्रह्मर्षि बनकर बैठे थे, एक नहीं मिला ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि में से एक नहीं मिला जो कह सके कि मुझे परम प्रभु का ज्ञान है, त्रेता युग में एक नहीं मिला पूरे भूमंडल पर और देव वर्ग में भी एक नहीं मिला जो कहे कि मुझे ज्ञान है। आता तो वही बैठक हुआ, ब्रह्मा जी भी नहीं कबूल कर सके कि मुझे जानकारी है परम प्रभु कहाँ है, शंकर जी का बैठक होने लगा वो भी सीधे नहीं बता पाए कि कहाँ है, बैठक होने लगा कि बैठे सुर सब कर बिचारा आ कह पाइए प्रभु करो पुकारा, पूर्व वैकुंठ जान कह कोई कोई कह पाने दे बस प्रभु सोई, जाके हृदय हो ही जस प्रीति आ प्रभु तो प्रकट हो ही तेरी थी, ते समाज गिरजा मैं रहू आओ सरपाई बचने के कहू कि हर व्यापक सर्वत्र समाना आ प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, यो आत्मे वाला रूप था, यो आत्मे वाला रोल था,
इसमें भी परमात्मा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं होता है, सर्वशक्तिमान होता है, सर्वज्ञ होता है, सर्वव्यापी नहीं होता है। हाँ, उसका सर्वव्यापक तो कुछ दूसरे तरह का है वो सर्वव्यापी, लेकिन जिस रूप में सर्वव्यापी का अर्थ समझा जा रहा है इस रूप में उसका व्यापकत्व नहीं है। यानी परमात्मा सब में व्यापक रूप से फैला हुआ कि मुझ में तुझ में खड़ खंभ में घट घट व्यापक राम, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये गलत फहमी समझदारी की है, इस समझदारी की गलत फहमी है। कण कण में भगवान आ रहे, जिस कण में जीव नहीं उसमें आनी परमात्मा कैसे हो जाएगा, भगवान कैसे हो जाएगा, ये घनघोर मूर्खता पूर्ण अज्ञानता है। सब में भगवान है, ये कौन कहता है, सब अनारा सब जो है आंख मूंद करके देखते हैं सब। आज जो आने यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब ज्योति दिखाई देते तो ज्योति को प्रकाश भगवान कह करके अस्वीकार कर लेते हैं कि बस यही है, घटवे में तो है, घटवे में तो है, जो कुछ है सो घटवे में है। इन सब को पता भी नहीं, ये सब गुलर के फल जैसे, गुलर के कीड़ा जैसे है। गुलर का फल, गुलर का पेड़ जो है वो पूरे एक वृक्ष में मानी पूरा लट बांध देता है जब फरता है तो। आ गुलर का कीड़ा ऐसा होता है, गुलर के ऊपर से पता नहीं चलेगा, सुराखे नहीं रहेगा, भीतर उसमें कीड़ा रहेगा। अब ऊपर से तो पर्त बंद बंद है, अब वो समझता है सारा ब्रह्मांड यही है, अब उसका तो सारा ब्रह्मांड गुलर ही है। उसको क्या पता है कि जो वह एक पेड़ का एक फल है, अब ऐसा वैसा हजारों लाखों फल तो उसके सतवा चारों तरफ पड़ा हुआ है, हर चीज में फलता है। वैसा लाखों पेड़ तो एक धरती पर है, ऐसे असंख्य धरतियां पड़ी हुई है। आइए मूल विषय पर, बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। खड़ा है, छुट्टी कर दे, मशीनों खसखसा रहा है, पड़ जाएगा तो मशीनों फिट चलने लगेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। तो इस तरह से अब सवाल उठता है कि सभी लोगों को फूलना और भाकना में कहता है, ये सब कुछ कहता है, या फिर अपने को कौन सी बनता है। एक बात जान ले, यदि कहीं पुष्ट प्रमाण नहीं होता, सच्चाई खंडन के साथ साथ यदि कहीं मंडन नहीं होता, और मंडन के साथ साथ पूर्व पुष्ट प्रमाण नहीं होता, तो शायद कौन हमको चलने देता, कौन हमको कार्यक्रम करने देता है। जब ललकारना शुरू किया गया 1977 में मुसलमानों को, जो है मुस्लिम समाज जलसा करा रहा था मुस्लिम बेल्ट में, जो आज भी उसको लोग भारत में रहते हैं पाकिस्तान के बेल्ट अधिकारी भी मानते हैं। वही कार्यक्रम होता ललकारना जब शुरू किया गया कि धरती पर एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है, कोई मुसलमान हो तो हम देखना चाहते हैं कौन मुसलमान है कि कुरान की परिभाषा में अपने को मुसलमान साबित करता है। किसी एक भी मुसलमान नहीं है जिसको रूह नूर अल्लाह ताला के विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी हो, कुरान शरीफ के विषय में कोई जानकार हो। ये सब पाठ करते हैं सब, और बस ऊपर से सब कुछ कर लिए, पंडित जी जनेऊ धारण कर लिए, डोरे का है कि किस चीज का है पता नहीं, आओ जनेऊ उपनयन संस्कार वाले हो गए, आ मुस्लिम हो गए, मुसलमानी करा लिए, आ बस वो मुस्लिम हो गए, मुसलमान हो गए। यही सब मुसलमान है, पंडित की परिभाषा कहीं नहीं है, न मुसलमान की परिभाषा है न पंडित की परिभाषा है। यदि मुसलमान ईमान के हो, जिसके पास एक मुसलमान सामने आवे जो अपने को मुसलमान की परिभाषा साबित करना चाहता हो, तो हम उसको दिखलावे कि वो मुसलमान नहीं है, बल्कि वो मुनकिर है, मुनाफिक है, वो मुनकिर है, मुनाफिक है, उसके पास तौहीद नाम की कोई चीज नहीं है, वो शिर्क है, वो मुशरिक है। जब ऐसी चुनौतियां दी जाने लगी तो वहां मक्का मदीना तक को सब सूचित किए कि एक लड़का आया हुआ है, 1977 की बात है, एक लड़का आया है पूरे धरती के सभी मुसलमानों को चुनौती दे रहा है और कुरान शरीफ से प्रमाण प्रस्तुत करने को ऐलान कर रहा है। वहां से आया एक आदमी, जैसे सुनने को मिला अब्दुल्ला साहब जो कैप्टन से रिटायरमेंट जो है
वही कार्यक्रम करा रहे थे जलसा में, और तीन चौथाई तो मुस्लिम बैठते थे, और कुरान शरीफ पर जब होने लगा वो सब कुछ, तो उसके बाद से यानी अपने डायरी में लिखे थे कि या अल्लाह ताला मैंने तेरे लिए तो सर्विस छोड़ा कैप्टन का, और ये कैसा बालक है क्या बोल रहा है, मैं बड़ी तेजी से किसी तरफ खींचता जा रहा हूं, तो ही मेरा रक्षक है जैसा चाह निर्णय ले। ईश्वर से कह करके और इतने करीब तर होते चले गए, ऊपर से आया कि भैया न नहीं करने की स्थिति है ना हाँ करने की स्थिति है, इससे में कुछ भी संभव है, आप लोग स्वीकार करो या न करो विरोध तो करो नहीं। इसी तरह से जब हम लोग चुनौती भरा चला अमीनाबाद में कार्यक्रम था लखनऊ में, एडीएम जो है शैतान आया था काला का लूटा, रात में 9:30 बजे कॉल से कार्यक्रम था 7 बजे से रात में 9:30 बजे कैंसिलेशन ऑर्डर भेज दिया कि कार्यक्रम नहीं होगा 9:30 बजे रात में, कि ना ऑफिस खुला रहेगा ना ये लोग कार्यक्रम की मंजूरी ले पाएंगे। हमारे पास खबर आया है कार्यक्रम है इस एडीएम के कहते नहीं होगा, ऐसे ऐसे एडीएम जाएंगे जाएंगे कार्यक्रम नहीं होगा, भगवान का कार्यक्रम है होगा। और उसी समय भेजे ग्रुप को जा सिपिन सिंह, उस समय गवर्नर थे, कहेंगे जा उनके सिपिन सिंह से बोल रहे, उधर से एक आदमी को भेज रहा मंगल पांडे के आगे जाकर बोल दे कि हमको कुछ कहना हो तो बता दे कि कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम होना चाहिए, यदि बहुत उन लोगों को किसी को परेशानी है, यदि मुस्लिम से परेशानी है तो जो कट्टर मुसलमान जो हो उसमें से पांच को बैठा दिया जाए मेरे कार्यक्रम सुनने के लिए, और 2-3 दिन वो सुने, और सुनने के बाद जब वो कह दे कि हाँ ये कार्यक्रम बंद हो जाना चाहिए तो कार्यक्रम को बंद न कर दिया जाए बल्कि हमको भी बंद कर दिया जाए, और कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रम क्या नहीं होगा, सत्य का कार्यक्रम क्यों नहीं होगा, जब हल्ला करने से चोर बदमाशों के हल्ला करने से थाना नहीं उठेगा और सत्य का कार्यक्रम बंद हो जाएगा, ये हल्ला करने वालों के डर से बंद हो जाएगा। बड़ी भयानक स्थिति होती है, अमृतसर में भी ऐसी घोर आतंक बाद छाया हुआ था, उसी में जो है कार्यक्रम जब होने लगा, हम आप सबको लेटर दिखाएंगे, भाई शिवसेना वाला भयभीत होकर के पत्र दे रहे हैं तो कहीं वो सब भयभीत भाई भाटिया जो विदेश मंत्री विदेश राज्य मंत्री रहे हैं शायद अभी भाटिया इन्हीं का भाई वहां का मैनेजर आया लगा हाथ जोड़कर कहने की ये संत जी ये बड़ी बड़ी गड़बड़ है, सिखों को इस तरह से आप ललकार रहे हैं, आतंकवाद छाया हुआ है, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, राधा कृष्ण का मंदिर है और कृष्ण का कार्यक्रम है और कार्यक्रम बंद हो जाएगा, दम दाब करके घर में पड़े रहो आप लोग, कार्यक्रम होगा, एक सिख आतंकवादी नहीं वो हजार रहेंगे उसी बीच में होगा, कार्यक्रम में कैसे जानेंगे सबके भगवान का कार्यक्रम है, हुआ जो होना था बहुत से एक से हम देख। अभी भी विराट नगर में जो कार्यक्रम होने लगा था विराट नगर काठमांडू एक हो गया, वो हम लोग मन से कार्यक्रम कर रहे हैं और दो चार 500,000 जो है जुलूस निकाल रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। एसपी बेचारा परेशान है बीच में, हम लोग कहते कार्यक्रम सत्य का है तो कार्यक्रम होगा क्यों नहीं, गलत हो तो हम लोग को बंद किया जाए और सही हो तो कार्यक्रम होगा, अब वो सब कह रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, इधर सुबह कार्यक्रम होगा, एसपी बेचारा कोई ट्रो फोर्स लेकर के वहां बैठा रहा आकर उसको जुलूस निकाल रहे, इधर कार्यक्रम हो रहा है, इधर दर्शन का ईश्वरीय दर्शन करा रहे, उधर ताम ब्राम बम बम सब फूट रहा है, हम लोग ऐसे बहुत देखे सुने चल रहे हैं, तो एकदम भीतर हम लोग झुमझाम दर्शन ब्रह्मांड दर्शन में करा रहे थे, विराट दर्शन करा रहे थे, आ बाहर धूमधाम कर रहे थे सब उस हाल के, एसपी फोर्स लेकर बैठा हुआ है धूमधाम करके, बोले ब्रह्म परमेश्वर की काठमांडू में जो कार्यक्रम देने लगे हम लोग तो पूरा सब इकट्ठा हो गए, सब जब आडम्बर पाखंड का जब पर्दाफाश हुआ सारा शौर बोले महाराजा धीराज भी है कि बड़े गुरु जी भी खिलाफ में उतर गए और सब एक हो गए, सब बस यही ऐलान कि कार्यक्रम नहीं होगा, अरे सत्य हो तो बंद जांच करके गलत साबित करके बंद कर दिया जाए, अभी सत्य है तीन हुआ हुआ वालों के हुआ हुआ करने से कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रम क्या नहीं होगा, एक कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम होने के बाद जो है हम लोग तो जा ही रहे थे प्रैक्टिकल के लिए,
एक आध घंटा में हम लोग हटते वहां से, तब तक कैंसिलेशन ऑर्डर जो है बड़े गुरुजी टेलीफोन किए सेक्रेटरी के पास कि कार्यक्रम बंद करा दो। हम लोग तो ऐसे ही कार्यक्रम सत्संग पूरा हो गया था, प्रैक्टिकल के लिए जा रहे थे वहां से। इनका भी ज्ञान उसमें सम्मिलित हो जाता है, आपको जानने देखने को मिलेगा कि शरीर सहित यह जो संसार है ये वास्तव में कुछ है नहीं, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। आप सोचते होंगे ये सब कुछ दिखलाई दे रहा है, घर खेत बाड़ी खलिहान नाना तरह का घर परिवार भाई बंधु हित माता पिता वगैरह सब जो दिखाई दे रहे हैं, आखिर सब के सब झूठे ही है। जब कुछ है ही नहीं तो ये सब आखिर दिखलाई कैसे दे रहे हैं, आज अभी से दिखलाई दे रहे हैं तो कैसे कह दिया जाएगा कि कुछ है ही नहीं। इसका निर्धारण जो है दो प्रकार से होता है, एक तो वेदांती जन योगी जन इसका निर्धारण करते हैं और दूसरे ज्ञानी पुरुष सत्पुरुष भी। तो योगी जन जब इसका वेदांती योगी जन जब इसका वर्णन करते हैं तो स्वप्नोत कह करके कि जैसे सपना है, देखते समय तो सब कुछ है और जगे तो पता चला कुछ नहीं, वैसे ही ये संसार भी है, अपना करने देखने के लिए है, अस्तित्व में कुछ नहीं है। शंकर जी ने कहा है कि कहो हुमा मैं अनुभव है अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जो है एक सपना जैसे है और सत्य कोई चीज है तो प्रभु का भजन है, हरि का भजन है। तो हम लोग आपके बीच जो उपस्थित हुए हैं, शायद आपको यहाँ एक अलग से नई बात सुनने जानने को मिलेगी। वो क्या चीज की, यह महात्मा जी भला कहे हैं, शंकर जी कहे हैं, इसलिए इसको मान लिया जाए, हम लोग इस मान्यता के नहीं है। आप कोई चीज इसलिए मान लीजिए कि शंकर जी कहे हैं, इसलिए मान लीजिए कि महात्मा जी कहे हैं, इसलिए मान लीजिए कि संत जी कहे हैं, हम लोग ऐसे मान्यता वाले नहीं है। हम लोग तो कहेंगे कि मानिए कुछ नहीं, मानिए कुछ नहीं, हर चीज को जिसे स्वीकार करने की जरूरत है आपको, जो लग रहा हो कि हमको भी इससे युक्त होना चाहिए, हमको भी यह जानना देखना चाहिए, यानी जो कुछ भी आपको लगे कि इसकी जरूरत हमें है तो मानिए नहीं उसको, जानिए। हम लोग जो है मानने को महत्व नहीं देते बल्कि जानने को महत्व देते हैं, और जानने में भी हर संभव देखते हुए जानिए, जांच परख पहानी करते हुए पहचानिए। शंकर जी कह रहे कहे हैं इसलिए आप मान लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है। शंकर जी कहे हैं क्योंकि शंकर जी महादेव हैं, महेश हैं, इस सृष्टि के संहारक एक सर्वोच्च पोस्टों में से पदों में से एक पद पर पदासीन है, उनकी मर्यादा है, उनका सम्मान है, आदर है, उनकी बातों को हमको सहज भाव में नहीं लेना चाहिए, समान रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मानने की भी कोशिश न करके उसको जानने का प्रयास करना चाहिए कि शंकर जी कहे हैं तो किस परिस्थिति में, यह किस रूप में सच है, क्या हमको भी सच दिखलाई दे रहा है। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु जल्दी ही सत्य युग आएगा, सत्पुरुषों